Students. Unit number eight, thermal properties of matter. आज हमने करनी है प्रॉब्लम चैप्टर नंबर एट पॉइंट वन से लेके एट पॉइंट सिक्स तक पहली प्रॉब्लम है आपकी टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द वैल्यू फॉरन हाइट स्केल हमने इनके कन्वर्जन के लिए बड़े अच्छे तरीके किए हुए थे सो so, हमने तीनों तरह से हमने कन्वर्जन देखी थी सेल्सियस टू कैलवन स्केल कैलवन टू सेल्सियस फेरन टू कैलवन एंड कैलवन टू फेर ये सारी हमने बड़े डिटेल में इनको किया था विद एक्सम्पल्स तो यहाँ पे गिवन डाटा में आपके पास टेम्परेचर इन सेल्सियस है 50 सेल्सियस आपने फाइंड आउट करना है फेरन में सो फेर एन का फॉर्मूला है आपके पास एफ इज इक्वल टू वन पॉइंट एट सेल्सियस प्लस थर्टी टू वन पॉइंट एट मल्टीप्लाई फिफ्टी प्लस थर्टी टू मल्टीप्लाई करें प्लस करें तो वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू फेर हाइट आपके पास क्या आ जाएगा टेम्परेचर आपने सेल्सियस को डिग्री फेर हाइट में चेंज कर देंगे 8.2 नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट पॉइंट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल सो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपके पास है 98.6 फ़ारेनहाइट सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में हमारे पास फॉरन हाइट के फ़ॉर्मूले में सेल्सियस पहले आता है सो फेर हाइट इज इक्वल टू 1.8 सेल्सियस प्लस 32 प्लस 32 हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू वन सेल्सियस अब आपने सेल्सियस निकालना है तो 1.8 पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर देंगे इसको अब आपने क्या करना है फेरन की वैल्यू पुट करें 98.6 एट पॉइंट माइनस थर्टी टू डिड बाई वन माइनस करेंगे डिवाइड करें तो 37 सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा सो कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू कैलवन अब आपके पास जो तो सेल्सियस में आया हुआ है उसमें आपने प्लस टू सेवेंटी थ्री को ऐड कर देना है तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैलवन में थ्री हंड्रेड एंड टेन कैलवन इन सेल्सियस टेम्परेचर इज थर्टी सेवन और इन कैलवन इज थ्री हंड्रेड एंड टेन कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेलमिनियम बार टू मीटर लॉन्ग वन हिट इट फ्रॉम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर डिफ्रेंस आ जा जाएगा आपका लेंथ ऑफ द बार है थर्मलशन लीनियर एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन पर माइनस फाइव पर कैलवन सो यहाँ पे आपके पास एक बार दिखाई हुई है उसकी ओरिजिनल लेंथ है एल कितनी बताई हुई है टू मीटर तो क्वाफिशेंट थर्मल एक्सपेंशन कितना है एल्फा टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन पर माइनस फाइव पर कैलवन तो आपके पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड अब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टू तो टू सेवेंटी थ्री कैलवन आ जाएगा कितना है? 20 20 273, 293 तो कैलवन में कन्वर्ट करना पड़ता है इसको तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा टू नाइन्टी थ्री माइनस टू सेवन ट्वेंटी तो इंक्रीज in इन है हमारे पास अल्फा का फॉर्मूला है एल्फाइज बाय नॉट डेल्टा टी अब हमने डेल्टा एल अगर फाइंड आउट करना है तो इजल टू अल्फा एल नो डेल्टा टी का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपके वैल्यूट मल्टीप्लाई टेन तो पर माइनस फाइव लेंथ आपके पास है टू मीटर चेंज इन टेम्परेचर क्या है ट्वेंटी इन सबको मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास आएगा वन मल्टीप्लाई टेन पर माइनस थ्री ये आपके पास आएगा मीटर्स में ठीक है क्योंकि आपके पास लेंथ मीटर में थी अब आपने इसको कन्वर्ट करना है इंटू सेंटीमीटर तो आप इसको क्या करेंगे

गिवन डाटा हमारे पास है अनिशियल वॉल्यूम वी नॉट वन पॉइंट टू मीटर क्यूब टेम्परेचर हमारे पास इनिशियल है 15 उसको कैल्वन में चेंज करें प्लस टू करेंगे तो 288 एटी आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर है आपके पास

जी बीटा की वैल्यू दोबारा देखें यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई वी नो डेल्टा टी चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है इनिशियल वॉल्यूम माइनस सॉरी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम तो वी माइनस वीनो डिवाइड बाई वी और डेल्टा टी इसको आप मल्टीप्लाई कर दें जो डिवाइड में है उसको उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा मल्टीप्लाई वी नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट तो ये इक्वेशन को रीअरेंज करके कॉमन ले लेंगे यहाँ पे वी नॉट बीटा डेल्टा टी प्लस वन इज इक्वल टू वी ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये आप डायरेक्ट बी पुट कर सकते हैं और इसको ड्राइव भी कर सकते दोनों तरह से जैसे आपकी मर्जी आप कर लें दैट इज नॉट कंपल्सरी टू ड्राइव इट सो वी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी ये आपकी इक्वेशन है सो वी नॉट वन पॉइंट टू वन प्लस 3 10 3 25. इनको पहले आप प्लस करेंगे सॉरी पहले इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है उसके बाद आपने इसको प्लस वन करना है देन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है के साथ तो 1.3 मीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बैलून

डेल्टा टी यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लें चेंजिंग टेम्परेचर थ्री थ्री एट माइनस टू एट्टी थ्री तो आपके पास आएगा फिफ्टी फाइव कैलवन फॉर्मूले में पुट करें मैथ जीरो पॉइंट फाइव सी की वैल्यू है फोर्टी टू हंड्रेड डेल्टा टी फिफ्टी फाइव इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आएगा अलेवन थाउजेंड एंड फिफ्टी फाइव हंड्रेड जाउल आपके पास हीट आ जाएगी रिक्वायर्ड हीट आ जाएगी जी एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ थाउजेंड जाउल पर सेकेंड

ंग पावर जो है वो थाउजेंड जॉल पर सेचर है इनिशियल है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड इसको कैलवन में चेंज कर दें फाइनल टेपरेचर है आपके पास नाइनटी डिग्री सेंटीग्रेड इसको भी कैलवन में चेंज कर दें और आपके पास है टू ग्राम इसको के में कन्वर्ट कर दें तो डिवाइड करेंगे वन से तो आंसर आएगा जीरो पॉइंट टू के जी तो रिक्वायर्ड टाइम आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम इसका मतलब पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे वर्क डन पावर हमारे पास है थाउजेंड जॉल पर केजी उसके बाद हम टाइम को फाइंड आउट कर लेंगे जी पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई टाइम वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा हीट रिक्वायर्ड सो वो है जीरो पॉइंट टू सी फोर्टी टू हंड्रेड टेम्परेचर डिफरेंस सेवेंटी पावर हमारे पास कितनी है वन थाउजेंड टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर डिवाइड हो जाएगी तो so, इन सबको मल्टीप्लाई करके थाउजेंड से डिवाइड करें तो फिफ्टी एट पॉइंट एट सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा आपने इनकी बड़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से भी इसको आपने याद करना है ताकि आपने सॉरी इसको आपने प्रैक्टिस करें इसको माइंड में रखें और इसको अपने रजिस्टर्स पे भी राइट करें थैंक यू